वेलकम टू मनीष गुरु। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दमन और दीप सिविल कोड संशोधन विनियमन 2019 के संवर्धन को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है अनुच्छेद 240 के तहत, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 का आयोजित किया जा रहा है। तो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स जो है संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने मार्च 2019 में बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है इंडियन ऑयल ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मार्च 2019 में पहली बार 6 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार किया है? तो 6 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण जो है HDFC बैंक ने पार किया, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व किडनी दिवस 2019 का विषय क्या है? तो विश्व किडनी दिवस 2019 का विषय है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने 13 मार्च 2020 को मेधावी नेपाली छात्रों को कितनी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति प्रदान की है? तो ये प्रदान की है 200 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने संयुक्त अभ्यास अल नागाह थर्ड 2019 शुरू किया है? तो अल नागाह थर्ड 2019 जो है इसकी शुरुआत हुई है ओमान के साथ, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस इंडिया ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत की है उन महिला पेशेवरों के लिए जो मार्च 2019 में विश्राम या मातृत्व अवकाश के बाद कॉरपोरेट करियर में लौटना चाहती हैं। तो एयरबस इंडिया ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो है ये लॉन्च किया है फ्लाई अगेन, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI लंबी अवधि के लिए रुपए की तरलता को बढ़ाने के लिए 26 मार्च को 3 वर्ष के लिए कितने बिलियन डॉलर की अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपये की खरीद बिक्री स्वैप नीलामी का आयोजन करेगा? तो आयोजन करेगा 5 बिलियन डॉलर की, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में 18 जुलाई से प्रभावी होने के साथ किस बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए राकेश माखीजा को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राकेश माखीजा जो है ये गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2019 में जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक निवेश निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया था? तो LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था विपिन आनंद को और TC सुशील कुमार को, यानी इसका करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODI क्रिकेट में 8000 रन पार करने वाले तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सैन्य बल और भारतीय सुरक्षा गार्ड अमेरिका भारत सुरक्षा साझेदारी की एक भाग के रूप में संयुक्त अभ्यास कहाँ करेंगे? तो भारत अमेरिका जो है ये संयुक्त अभ्यास का आयोजन करेंगे हैदराबाद में, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक रहने वाले शहरों में मर्सर के सूचकांक 2019 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर इसमें है वियना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में नेरोका FC के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नेरोका FC के मुख्य कोच के रूप में रेनेडी सिंह को नियुक्त किया गया था, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में अपनी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए किस बैंक ने बेसल थर्ड के अनुरूप बांड के माध्यम से 487 करोड़ रुपये जुटाए हैं? तो 487 करोड़ रुपये करूर वैश्य बैंक ने जुटाए हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में राष्ट्रपति द्वारा कैसे कितने कीर्ति चक्र सशस्त्र सेना जवानों को प्रदान किए गए? तो प्रदान किए गए 3 कीर्ति चक्र, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में आयोजित भारत अमेरिका रणनीतिक सुरक्षा वार्ता के 9वें दौर में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार भारत में कितने अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 70 साल से अधिक उम्र और अलग अलग तरह के ग्राहकों के लिए एक डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो डोर स्टेप बैंकिंग सेवा जो है SBI बैंक ने स्टार्ट की, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड।